सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। थोड़ा सस्पेंस तो खराब हो ही गया क्योंकि बालकनी आप फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, वरना मैं इससे रिलेटेड भी आपको कुछ ग्रैंड ओपनिंग्स ही देता। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ ग्रैंड है इस ओपनिंग के अलावा भी इस पार्ट में। होटल काफ़ी ब्यूटीफुल है, चाहे इनका पूल हो, चाहे इनके रेस्टोरेंट्स हो, चाहे इनका बार हो, जो किड्स एरिया और जो इंटरनल रेनोवेशन होटल कर रहा है, मैंने बहुत प्रॉपरली दिखाया है। तो ये सारी चीज़ों को देखिए और ये हेल्प करेगा आपको डेफिनेटली टू प्लान अ स्टेकेशन इन दिस प्रॉपर्टी। सो एंजॉय दिस वीडियो टिल द एंड। प्रताप महल एक्साइट्स यू एज सून एज यू एंटर। द फसाड इटसेल्फ इज वेरी आई कैचिंग। होटल्स रिसेप्शन विल लीव यू ऑस्ट्रक विद मार्बल म्यूरल। द सीटिंग इज ऑल्सो एप्ट मैचिंग द बैकग्राउंड। Pratap Mahal has a beautiful courtyard filled with multiple amenities like El Fresco, which acts as an outside seating. Going further, it will lead you towards a grand swimming pool, space around with enough to enjoy evening walks. Separate area for kids and a grand stage for wedding adds enough for a beautiful courtyard like this. The hotel has only one restaurant and all meals are served in this restaurant only. It's a multi-cuisine restaurant and my suggestion would be go for a thali, whose more details I have explained in the verdict. Buffet breakfast was made even more enjoyous as the chef prepared bread pakora specially for us. You too can relish the same delicacies by ordering at least a night before. The chef is amazing and has an exceptional experience with Rajasthani cuisine. For kids, the hotel has created a gaming zone, but it's outside the main compound. The gaming area comprises of mini golf, carrom, air hockey, and pool, etc.
प्राइसिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बेडरूम की बालकनी है, काफ़ी कंफर्टेबल, बेड से निकलिए, यहाँ पे बैठिए और नज़ारे एंजॉय करिए। प्राइसेस की बात कर लेते हैं। सुपीरियर रूम, कोर्टयार्ड व्यू, किंग बेड, ये इनकी स्टार्टिंग रूम कैटेगरी है। सारी कैटेगरीज़ का जो रूम साइज़ है वो 452 स्क्वायर फीट सी है, बस डिफरेंस आ जाता है बालकनी, सिट आउट एंड व्यू का। स्टार्टिंग रूम कैटेगरी है, प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 5500-6000 रुपीज़ से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइसेस डायनेमिक है, मैंने 8-9000 से भी रूम स्टार्ट होते देखे हैं। ये मैंने वीकडे का रेट आपको बता रहा हूँ, वीकेंड्स पे ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करिए 1000-2000 ज़्यादा। इसके बाद आता है डीलक्स रूम, अरावली व्यू, इसमें आप 1000 रुपये का इंक्रीमेंट कर लो तो 6500 के आसपास आपको इसका रेट पड़ जाएगा। फिर आता है डीलक्स रूम, ट्विन बेड विद सिट आउट, इसका रेट आप 7000-7500 के आसपास रहता है। फिर है लग्जरी रूम, किंग बेड विद सिट आउट, 1000 रुपये इंक्रीमेंट कर लीजिए, 8000-8500 ये रेट चलता है। फिर वी हैव एग्जीक्यूटिव स्वीट, अरावली एंड कोर्टयार्ड व्यू, 1097 स्क्वायर फीट्स का स्पेस है, जो हमारा स्वीट है उससे ठीक नीचे की कैटेगरी है। प्राइस 16-17000 के आसपास चलते हैं, 18-19 तक भी चले जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, आप कब आ रहे हैं, आपने वीकडे चुना है कि वीकेंड चुना है, इन सारी चीज़ों पे। सेकेंडली एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे देता हूँ इसी बीच में, कि जब यहाँ पे वेडिंग होती है ना तो ये पूरा होटल ही सोल्ड आउट रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये सोल्ड आउट भी दिख सकता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी वेडिंग्स ये लोग करवाते हैं और वेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि आपको स्वीट्स एंड रूम्स का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन एंड ऑप्शन मिल जाता है। सबसे लास्ट एंड फाइनल द ग्रैंड कैटेगरी, जिसका आपको टूर दिया है हमने, द सिलेक्शंस स्वीट, अरावली एंड कोर्टयार्ड व्यू प्रेजिडेंशियल स्वीट, इसकी कॉस्ट 24-25000-30000 तक भी चली जाती है। देखिए सबसे टॉप स्वीट है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को वैरी करते हैं। सबसे बढ़िया चीज़, आप आइएगा तो 4003 रूम नंबर ही मांगिएगा, उसका रीज़न है कि सबसे बड़ी जो रूम की बालकनी है वो आपको यहीं मिलेगी, 3 बालकनीज मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इसका ऑरा और बढ़ जाता है। तो ये प्राइसेस हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी पॉकेट पे और आपके चॉइस, कितने लोग आ रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी रूम कैटेगरी लेनी है। प्रॉपर्टी का वर्डिक्ट दे देता हूँ मैं आपको, बट प्रॉपर्टी के वर्डिक्ट से पहले सिटी को समझ लीजिए। पहाड़ की एक तरफ अजमेर है, दूसरी तरफ पुष्कर है, दरगाह है इसलिए भी काफ़ी लोग आते हैं, एंड पुष्कर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है झील के किनारे, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग आते हैं। रीज़न सिंपल है, पिलग्रिमेज के लिए ज़्यादा पॉपुलर है सिटी। सेकेंडली एक चीज़ और, कि कनेक्टिविटी सिटी की बहुत अच्छी है, दिल्ली जयपुर हाईवे से कनेक्टेड है सिटी, तो आप बाय रोड आ सकते हो। किशनगढ़ एयरपोर्ट भी है पास में, तो वो भी एक कनेक्टिविटी का ऑप्शन हो जाता है बाय एयर आने के लिए। सेकेंडली ट्रेन भी काफ़ी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ऑलमोस्ट हर शहर से अजमेर की कनेक्टिविटी है, तो बाय ट्रेन भी आ सकते हो। सेकेंडली सिटी थोड़ी कंजेस्टेड है, एंड डोंट एक्सपेक्ट टू बी दैट हाइप सिटी लाइक उदयपुर, यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। सिटी जल्दी बंद भी हो जाती है, 8-9 बजे के आसपास आपको चीज़ें बंद होने लगेंगी, तो उन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पुष्कर टाउन से लगभग 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, पुष्कर बाईपास रोड पे। प्रॉपर्टी का जब आप जैसे ही आप अंदर आओगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रॉपर्टी को बनाने में काफ़ी मेहनत करी है, जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है। एज सून एज यू एंटर द रूम, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी रूम कैटेगरी ली है, बट मैं रूम कैटेगरीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बहुत कम ऐसे होटल्स होते हैं जहाँ पे मुझे जो बेसिक रूम कैटेगरी होती है वो इतनी अच्छी लगती है। अप्रॉक्सीमेटली 450 स्क्वायर फीट का एरिया है, एंड उसको बहुत वेल यूटिलाइज़ किया है। झूले लगे हुए हैं, स्विंग्स, यहाँ पे थोड़ा ग्रैंड है बिकॉज ये प्रेजिडेंशियल है, वहाँ पे झूला उतना ग्रैंड नहीं लगेगा, बट स्टिल है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में तो आपको ये टच भी नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, प्राइवेट बालकनी आती है प्रॉपर्टी में, ये बेसिक रूम कैटेगरीज़ के साथ भी, और उन बालकनीज़ को भी प्रॉपरली वेल पार्टीशन किया हुआ है। मैंने बहुत सारे होटल्स विजिट किए हुए हैं, उनमें मैं देखता हूँ प्लांटेशन से कई बार दोनों बालकनीज़ को सेपरेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो प्राइवेसी नहीं मिल पाती है जो एक प्रॉपर जब आप वॉल लगाते हो उससे मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेकेंडली जो बाकी रूम्स हैं उन पर भी अच्छा काम किया हुआ है, लाइक जो स्वीट है वो भी इनका बहुत अच्छा है, और प्रेजिडेंशियल स्वीट के तो क्या कहने, आपने देखा ही है, मैंने इसका पूरा रूम टूर दिया हुआ है, तो आप आइए तो प्रेजिडेंशियल स्वीट भी ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ बिट इकोनॉमिकल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर आपको 50-60000-80000 में प्रेजिडेंशियल स्वीट मिलेगा, बट यहाँ पर आपकी पॉकेट पर ही उतना हैवी नहीं पड़ने वाला है। फूड में रेस्टोरेंट जो है हमारा काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ग्रैंड बनाया है, बट इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। बट सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि थाली इनकी बहुत ही इकोनॉमिकल थी, 750+ taxes, 1500 रुपये में 2 लोगों का काम हो जाएगा, और थाली में ऑलमोस्ट जो चीज़ें राजस्थान में पॉपुलर हैं उनको प्रॉपरली कवर करने की कोशिश की है विद अ वेरी गुड टेस्ट। तो ये तो प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताता रहूँगा और आप समझते रहेंगे, बट इतना
यहाँ पे बैठ के जानने के लिए बहुत है, आना पड़ेगा उसके लिए, आइए। इतनी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन है तो कोई बहाना भी नहीं है कि कैसे आए। बट अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो इन रिगार्ड्स टू दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे होटल्स आपके लिए निकाल रहा हूँ जो रस्ते में पड़े ना पड़े, रूट चेंज करना पड़े, बट स्टिल आई ट्राई कि आपको वो प्रॉपर्टीज़ दी जाएँ जिनमें बेसिक रूम कैटेगरीज से लेके और ऊपर तक के ऑप्शंस भी मिलें, बजट फ्रेंडली भी हो और आप एंजॉय भी कर पाओ। सेकेंडली, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको फ्यूचर में भी इसी टाइप की लग्जरी स्टेकेशन प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती रहे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।